आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन जीने के ऐसे 7 तरीकों के बारे में। अगर आप उन्हें अपनी जिंदगी में अपना लें तो आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम, खुद की तुलना दूसरों से न करें। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपने लिए स्पेशल होते हैं। सभी में कोई न कोई खूबी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सबके पास एक जैसी खूबी नहीं होती, अलग अलग खूबी होती है। सिर्फ जरूरत होती है अपनी उस खूबी को पहचानने की, फिर आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। खुद की तुलना दूसरों से न करें। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। दूसरा नियम है, हमेशा कोशिश करें कुछ हट कर करने की। हमारे कहने का मतलब है, आप जो भी करना चाहते हैं उसे बेहतर तकनीक और उपायों के साथ करें, जिससे आपका काम लोगों को पसंद आए। जो लोग दुनिया में कुछ नया देते हैं लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अगर घर में भी कोई काम करते हो तो उसे स्मार्ट तरीकों से करो, इससे लोगों में आपकी अलग पहचान बनेगी तथा आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। तीसरा नियम है, अपनी सोच सही रखें। जो इंसान जैसी सोच रखता है उसके साथ वही होता है। गलत सोच रखोगे तो कभी आप खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमारी सोच का सही होना बहुत जरूरी है। हम जीवन में सब कुछ नहीं पा सकते हैं, जिंदगी ने जितना दिया है उतना ही काफी है। यही सोचना कि सब हमारा है यह गलत बात होती है। हमें जिंदगी में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। जो लोग ऐसी गलत सोच रखते हैं कि सब कुछ उनका है, सब उनके लिए ही बना है, तो वे व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते हैं, हमेशा दुखी ही रहते हैं। चौथा नियम है, खुद की अच्छाइयों को पहचानें। जीवन में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप भी परफेक्ट नहीं है, आप में भी बहुत सी कमियाँ हैं, लेकिन यह भी सच है कि आप में बहुत सी अच्छाइयाँ भी होंगी। आपको अपनी उन्हीं अच्छाइयों के बल पर बेहतर जिंदगी जीने का कोशिश करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा अपनी कमियों को याद करके दुखी रहते हैं और हमेशा नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, सकारात्मक होकर के अपनी जिंदगी को खुशी पूर्वक जीना है। पांचवा नियम है, जो मेरा सबसे पसंदीदा नियम है, हमेशा खुश रहिए। मुस्कुराहट सारे गम भुला देती है। इमोशनल भावनाओं के साथ जिंदगी नहीं जी जा सकती। बेहतरीन जीवन जीने के लिए आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, फिर आप लाइफ में कितने भी दुखी क्यों ना हो। अगर आपने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया तो कोई भी दुख आपके पास ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता है। छठा नियम है, दिल की बात सुने। हमेशा दिमाग की बात नहीं सुननी चाहिए, कभी कभी दिल की बात भी सुने। भले ही दिल से लिए गए निर्णय गलत हो, लेकिन हमें उनका अफसोस नहीं होता है, क्योंकि हमने जो कुछ किया है वह दिल से किया है। अफसोस तब होता है जब आपने किसी के कहने पर कोई निर्णय लिया हो और वह गलत हो गया। इसलिए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें निर्णय खुद से और दिल से लेना चाहिए। हमें अपने फैसले लेने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सातवां और सबसे आखिरी नियम है, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा, बस आप धैर्य रखिए। जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कितनी भी समस्या हो, आपको हमेशा यही सोचते रहना है कि वक्त के साथ सब अच्छा होगा और धैर्य के साथ उस बुरे वक्त का सामना करना है। जिन लोगों की यह सोच होती है वे लोग जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। भले ही कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों न हो, दुख के दिनों में वे वैसे ही जीते हैं जैसा कि वे सुख के दिनों में जीते हैं। अगर हमारा वक्त बुरा चल रहा है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें धैर्य के साथ रहना चाहिए। अगर हम घबराहट के कारण कुछ निर्णय लेते हैं या बुरे वक्त से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो और गलतियां होती हैं और वह बुरा वक्त जल्दी से खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, यह थे वे 7 बेहतरीन नियम। अगर जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लागू कर लो तो आप भी एक बेहतरीन जीवन जी सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।